हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और इस मौसम में आंवले जो है बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसकी बहुत ही हेल्दी रेसिपी। इसके लिए कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। ये जो आंवले का मुरब्बा है ये सरसों के तेल में ही बनाए, इससे जो है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ। सौंफ मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ, इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है मुरब्बे में। इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उबले हुए आंवले। ये मैंने उबालने के बाद इसके जो बीज हैं वो निकाल दिए हैं, इस तरीके से इनको अलग कर लिया है। इसको हम ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आंवले लिए हैं, ये उस हिसाब से मैं मसाले ऐड कर रही हूँ इसमें। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो क्वांटिटी को उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आंवले के साथ। सर्दियों में ये आंवले की जो रेसिपी है बहुत ही हेल्दी होती है, और क्योंकि मैं इसे गुड़ से बना रही हूँ तो ये और भी हेल्दी बन जाती है। और अगर आपके पास सर्दियों में कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई सब्ज़ी नहीं बनाना चाहते हैं आप, तो इसे आप रोटी के साथ या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारे जो आंवले हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, ये कलर इससे थोड़ा अच्छा आता है इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद वाले तिल, ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तिल से जो है वो टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि किशमिश, काजू आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम इस तरीके से चलाते हुए लगभग 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम गुड़। आप गुड़ की जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो गुड़ वाला होता है मुरब्बा वो बहुत ही हेल्दी होता है सभी के लिए। और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी गर्म पानी। एक बार हम इसको अच्छे से चला लेंगे। और अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे लगभग 5 से 6 मिनट तक पकाना है हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे। और बीच बीच में आप इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो मेल्ट हुआ है या नहीं। आंवलों को पकते हुए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो ये आंवले हैं इनको हम हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से। थोड़े से आंवलों को हम प्रेस करेंगे ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी डार्क हो जाए। इस तरीके से चमचे की हेल्प से हम इसको दबा देंगे। आंवले का मुरब्बा जो है ये रेडी हो चुका है। आप भी इसे इन सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।